Hello guys, welcome back to my channel and welcome to another video. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी स्किन को ज़्यादा ग्लोई दिखा सकते हैं और कैसे आप मेंस मेकअप कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक तो मौसम बहुत गर्म या ठंडा भी होता है, कभी गर्म होता है, यानी हमें एक्सट्रीम मौसम्स का भी सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहता था कि कोई ऐसी रूटीन लेकर आऊँ अपनी लाइफ में कि जब मैं बाहर जाऊँ तो मैं इजीली जो है वो अपनी स्किन को बेहतर करके फिर सकूँ। तो उसके लिए मैंने कई सालों तक मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स अपनी स्किन के साथ किए एंड अभी मैं एक बेहतर किस्म की जो मेकअप रूटीन है उधर तक पहुँच चुका हूँ। देखिए, यहाँ पाकिस्तान में लड़कों के लिए मेकअप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब लड़के मेकअप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है, और कोई भी लड़का ये नहीं चाहता कि उसको ये कहा जाए कि जी आपने मेकअप किया है, आपका मेकअप नज़र आ रहा है। तो जैसे आप लोग शर्माते हैं उसी तरीके से मैं भी शर्माता था पहले, और वो क्योंकि मेकअप नज़र भी आता था। तो आज मैं आप लोगों को मेकअप की एक ऐसी रूटीन बताऊंगा कि जिसके अंदर आपको शर्माने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका मेकअप नज़र भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने चेहरे को धो लेना है। मैं चेहरा धो कर आया हूँ। चेहरे को धो लेने के बाद आप लोगों ने एलोवेरा जेल ले लेनी है, या फिर मेरे पास इस वक्त एक फ़्रेश एलोवेरा लीफ पड़ा हुआ है, उससे मैं अपनी स्किन का मसाज कर लूँगा। अगर आप लोगों को ये नज़र आ रहा है एलोवेरा, तो मैंने इसको इस तरीके से काट लिया है, और आप लोगों ने क्या करना है कि इसको आपने अपनी स्किन पर मसाज कर लेना है। एलोवेरा आपकी स्किन में जज़ब हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है अच्छे तरीके से। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उसके बाद आप लोगों ने लेना है ये यूवेल के एक सनस्क्रीन है, इसको लगा लें ताकि आप जब बाहर जाएं तो आपकी स्किन पर सूरज की जो रोशनी है उसका बुरा इफ़ेक्ट ना हो। तो ये इतना सा जो है वो आपने लेना है, और इसको इस तरह से आपने अपनी स्किन पर लगा लेना है। बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल लाइट सा ही चाहिए होता है, क्योंकि हमने मेकअप भी ऐसा करना है जो कि विजिबल ना हो बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा लगे जैसे नेचुरल ही आपकी स्किन का कलर बिल्कुल ऐसा है, नेचुरली ही आप इस तरह के दिखते हैं। तो वो नेचुरल लुक ही हमने मेकअप में लेकर आनी है। जब आपने सनस्क्रीन लगा लिया है तो अब आप थोड़ा सा वेट करें कि ये अपनी जगह पे ठहर जाए। कंसीलर जो है वो आपकी स्किन के ऊपर जो ज़्यादा बड़े बड़े दाग या धब्बे होते हैं या निशान होते हैं उनको छुपाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको आपने बस इस तरह थोड़ा थोड़ा सा जहाँ जहाँ पर आपके धब्बे हों वहाँ वहाँ पर आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा लगा लेना। जहाँ जहाँ ज़्यादा आपके जो है वो धब्बे हैं या स्कार्स हैं, आपने वहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा सा लगा लेना, और लगाने के बाद आपने इसको बस अपनी फिंगर से ही हल्का हल्का कंसीलर से कंसीलिंग करने के बाद आप लोगों ने कोई स्टिक ले लेनी है जो आपके स्किन कलर से मैच करती हो, और एक आपने ले लेना है ब्रश जो इस तरह का होना चाहिए, ऐसा ब्रश आप एक ले लें, और एक आप लोग ले लें कोई भी बेस जो कि आपकी स्किन के कलर से मैच करती हो। लेकिन कोशिश करें कि किसी अच्छी कंपनी के लें, नहीं तो आपके स्किन पर जो है वो दाने निकल आएंगे, डैमेज होगी, एक्ने निकल आएगी। तो उससे बचने के लिए आप जो है वो किसी अच्छी कंपनी के ही परचेज़ कीजिएगा, और उसके बाद आपने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी जो है वो ब्रश पे लगानी है, और ब्रश पे लगा के आपने उसको पूरी स्किन के ऊपर जो है वो फैला लेना है, इसी से फैलाना है आप। उसके बाद जो ये खाली ब्रश है इसको आप अपनी ये जो बियर्ड और मोस्टैचेस वाली जो जगह है इसमें भी आप लोग इसको अच्छे तरीके से ब्रश को आप लगा लें, ताकि
ये आपकी पूरी स्किन में जो है वो बस जाए। आमतौर पर इन जगहों पर जो जहाँ से आपकी बालों की जड़ें स्टार्ट हो रही होती हैं, यहाँ पर थोड़ा रह जाता है। तो इस तरह से आपने जो है वो अपनी बेस बनानी हल्की सी, बहुत ज़्यादा बेस की भी ज़रूरत नहीं है, लड़कियों जैसा ना हो जाए आपका फेस, बिल्कुल हल्की सी आप बेस बना लें। ये अब मैंने बेस इसकी बना ली है, पूरी मुकम्मल बेस बन चुकी है, ठीक है, ज़्यादा बेस नहीं बनानी, बिल्कुल हल्की सी। अच्छा जी, इसके बाद आप लोग कोई अच्छी सी बीबी क्रीम ले लें। मैंने यहाँ पर पॉन्ड्स की बीबी क्रीम ली है, ये इसके SPF 30 है और फेयरनेस क्रीम भी है, इससे आपका रंग भी गोरा होगा साथ साथ, और इसके अलावा जो आपकी सूरज है सनस्क्रीन भी आपको इसके साथ ही मिल जाएगा, ठीक है, तो आपने थोड़ा सा लेना है इसको, इसको भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना। लड़कों के लिए मेकअप में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, जो भी चीज़ आपने लगानी है बहुत थोड़ी सी आपने लगानी है, ज़्यादा चीज़ आपने कोई भी नहीं लगानी। उसके बाद आप इसको अपनी फिंगर से ही पूरी स्किन पर मिक्स कर दीजिए। तो अभी आप लोगों का जो स्किन है वो कंप्लीट हो चुका है, स्किन के बाद आप लोगों ने आना है थोड़ा सा आईज़ और लिप्स की तरफ। जी, तो लिपस्टिक के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी आपने डार्क कलर की लिपस्टिक ले लेनी है, जो कलर आपके लिप्स को अच्छा लगता हो। ये मेरे पास इस वक्त है आपका जो शेड है, ये इस तरह का पिंक सा शेड है, बस इतना इतना आपने लिप्स पे लगा लें, देखो नज़र आ रहा है आपको, बस इतना सा आपने लगाना है। और उसके बाद ये मैन लिपस्टिक है, मैन लिपस्टिक, इसका कोई कलर नहीं है, ठीक है, ये मैन लिपस्टिक, आपने इसको थोड़ा सा खोलना और इसको लगाने के बाद आपने अपने लिप्स को लिया, तो आप इसको टिश्यू पेपर से क्या करेंगे कि आप इसको लाइट कर लेंगे। देखिए मैंने इसको लाइट कर लिया। लिपस्टिक लगाने के बाद आप लोगों ने कोई भी मस्कारा ले लेना है जो खाली हो, जिसके अंदर मस्कारा ना हो, ख़त्म हो गया हो, वो आपने मस्कारा ले लेना है, उसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल लें या फिर आप उसके अंदर कोकोनट ऑयल डाल लें, और कोकोनट ऑयल डालने के बाद आप सिर्फ इसको यहाँ से शेप करें, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर नहीं है कोई भी, तो बस आपने इसको शेप करना है, इससे जो आपकी आई लैशेज हैं वो सीधी हो जाएंगी, बिल्कुल उनमें कोई जो है वो नहीं रहेगा, जैसे वाइट वाइट कलर कोई लग गया होगा अगर मेकअप का, और इनको भी जो है वो आप इसी तरीके से शेप कर, अगर आपको लगता है कि यहाँ भी कोई मेकअप की कोई चीज़ लग गई है तो आप इसको भी शेप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो आपका स्किन नेचुरल मेकअप जो है वो ख़त्म होता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी स्किन के ऊपर इस वक्त कोई मेकअप नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा, कोई विजिबल नहीं है कि मेकअप किया हुआ है, और मैं आप मेकअप करके किसी जगह जाता हूँ तो मुझे कोई नहीं कहता कि आपने मेकअप किया हुआ है, क्योंकि ये मेकअप नज़र ही नहीं आता, ये बिल्कुल विजिबल नहीं होता, थोड़ी देर में तो ये बिल्कुल इतना लाइट हो जाता है कि बस लगेगा नहीं किसी को कि मेकअप किया है। लेकिन यानी आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपकी तारीफ़ें होंगी, हर कोई कहेगा आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये एक स्किन ग्रूमिंग की टिप है मैंने जो आज आपको बताई है, इससे आप बहुत अच्छे दिखेंगे, और इसके अलावा आपको कोई जो है वो कोई ये नहीं कहेगा कि आपने मेकअप किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही लाइट सा जो है वो कलर चेंज हुआ है, ना स्किन का कलर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, ना स्किन का कोई टेक्सचर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, लेकिन अगर आपकी स्किन 10-20% भी बेटर हो जाती है तो आपको ज़रूर उस दिन तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं और वीडियोस बनाता रहूं, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।